नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए और इनसे पैसा कैसे बनाया जाए, घर बैठे इनकम के सोर्स कैसे डेवलप किए जाए। अब इससे आगे की बात करते हैं लार्ज कैप के बारे में ही ये वीडियो एक बार फिर से बना रहा हूं, क्योंकि इसमें काफी सारे अपडेट हैं। साथ ही साथ मैं आपको वो टॉप 7 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसमें इन्वेस्टमेंट के बाद 60% से अधिक रिटर्न मिला है एक साल में। मान लीजिए आपने साल भर में 1,00,000 रुपए लगाया तो आपको जो बेनिफिट मिला वो मिला 1,60,000 रुपए आपको वापस मिला, यानी कि 12,000 रुपए महीने की आपकी इनकम जनरेट हो गई। तो ये आप कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके फायदे देख लेते हैं। तो फायदे नंबर 1 है कि ये जो म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप, ये आपको स्थिरता प्रदान करते हैं, आपके फंड को स्थिरता प्रदान करते हैं। दूसरी बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव कम रहता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, टॉपेस्ट कंपनियां होती हैं, तो मार्केट के उतार चढ़ाव होता है, पर उसका असर इस पर कम पड़ता है। ऐसे में आपकी पूंजी सुरक्षित रहती है और आपका रिटर्न भी आपको मिलता है, थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है। फिर तीसरी बात, लगातार रिटर्न देते रहते हैं, यानी कि आपको रिटर्न लगातार मिलता रहेगा। चौथी बात करें तो लंबी अवधि के नजरिए से अलग अलग मार्केट साइकिल में ये फंड आपको कंपाउंडिंग के आधार पर बेहतर रिटर्न भी देते हैं। ये आपको अच्छा बेनिफिट होता है, कंपाउंडिंग के आधार पर आपको रिटर्न मिलता है। फिर बात करें ऐसे मार्केट में भी ये स्थिर ही रहते हैं, यानी कि इनके अस्थिर होने की संभावना बहुत कम होती है। अब बात आती है कि इसमें निवेश कौन करे। काफी सारे ऐसे भाई हैं जिनकी एज काफी ज्यादा हो गई, हो सकता है पहले इनकम का सोर्स कम रहा हो, अब इनकम उनकी ठीक हो रही है, तो वो निवेश करें। अब वो ये भी चाहते हैं कि हम जिस हिसाब से निवेश करें उसके हिसाब से उनको रिटर्न भी मिले और उनका पैसा डूबे भी नहीं, सुरक्षित भी रहे। तो अब बात आती है उसमें निवेश कौन करे। तो यहाँ निवेश की बात करें तो वो लोग निवेश कर सकते हैं जिनकी एज ज्यादा हो गई है, मान लीजिए 40 के आसपास आपकी एज है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको डेट फंड से ज्यादा निवेश करना है या ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। डेट फंड क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है, वीडियो आप देख लेना, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां शेयर मार्केट का और म्यूचुअल फंड का पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक बार सारे वीडियो अगर आपने देख लिए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप घर बैठे डेफिनेट कमा सकेंगे, ठीक है। तो डेट फंड से ज्यादा आपको इनकम चाहिए तो फिर आप यहाँ निवेश कर सकते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो भी आपको रिस्क नहीं होता यहाँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप रिस्क नहीं चाहते हैं तो भी आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहिए। अब बात करते हैं वो भाई बहन जो रिटायरमेंट के करीब हो और उनको ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है लेकिन उनको मंथली इनकम का सोर्स भी चाहिए, ठीक है, तो वो भी लार्ज कैप की तरफ जा सकते हैं। तो वो केवल जो टॉप फंड होते हैं उन्हीं में निवेश करें तो उसलिए उनका रिस्क कम रहेगा, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब इसकी स्ट्रेटेजी की बात करें कि आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, भाई सीधी सी बात है, कोई भी आदमी जब इन्वेस्ट करता है तो वो एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि किस हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा, उसको पैसा कब चाहिए, कितना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आप इसमें लमसम निवेश अगर करते हो तो थोड़ा सा बचें, SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से आप मंथली इन्वेस्ट करें, इससे रिस्क कम होता जाएगा और आपके बेनिफिट्स या आपका रिटर्न या आपका ब्याज या आपका पैसा बढ़ता जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से इसमें रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से बाजार में उतार चढ़ाव का असर कम रहता है। अब बात कर लेते हैं कि पिछले एक साल में जो टॉप 7 कंपनी है वो कौन सी है, उनका रिटर्न का गणित बेनिफिट क्या रहा। तो यहाँ आप ये टेबल देखिए, इसमें बेस्ट 7 लार्ज कैप कंपनियों के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड को। तो इसका 1 साल का, 3 साल का और 5 वर्ष का टैली दिया है। तो 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 40.7% और 3 साल की बात करें तो 14.1% दिया है, 5 साल की बात करें तो 16% तक रिटर्न इन्होंने दिया है। अब बात करें कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की, तो भाई 1 साल का रिटर्न देखो आप 44.2% है, 3 साल का 16.1% है और 5 साल का 15.9% है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की बात कर लेते हैं, 1 साल में 44.7% रिटर्न है, 3 साल में 12.4% रिटर्न है और 5 साल में 13.1% रिटर्न है। कोटेक ब्लू चिप की बात करें तो 40.6% रिटर्न दिया है भाई इसने 1 साल में, और 3 साल में 14.1% और 5 साल में 13.3%। टाटा लार्ज कैप की बात करें तो 47.3% 1 साल में, 12.2% 2 साल में, 11.7% 5 साल में। SBI ब्लू चिप की बात करें तो 48.0% यानी 48% 1 साल में, 3 साल में 12% 12.7% और 5 साल में 12.1%। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, जैसा कि मैं कह रहा था 60% का रिटर्न मिला है, तो यहाँ इसका रिटर्न है 59.6% 1 साल का, 13% है इसका 3 साल का और 11.4% है 5 साल का। तो टेबल साफ बताती है कि 1 साल में रिटर्न आप 60% तक पा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। अगर आप रुक सकते हैं तो अच्छा है, आपका पैसा लगातार बढ़ता जाएगा, कंपाउंडिंग ब्याज मिलता है। तो सबसे बेटर तरीका है कि आप लार्ज कैप में निवेश करें।
हर मंथ इनकम जनरेट कर सकते हैं घर बैठे, आपको जो भी पैसा है वो आपका जस्ट 5 साल में डबल होने की संभावना यहाँ हो जाती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।